सीरियल कयामत की रात में आज राघव को तलाश है अपने कुछ सवालों के जवाब की, जिनका पीछा आज राघव कर रहे हैं। वैसे मोटू और पतलू, हम आपको बता दें कि राघव का ये पुनर्जन्म है और हालातों को देखते हुए ये भी हो सकता है कि राघव के सवाल उनके पिछले जन्म से भी जुड़े हों। घना जंगल, हर तरफ धुआं ही धुआं। इस खौफनाक मंजर को देख किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन राघव बिना डरे बिना घबराए इस घने जंगल की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। जनाब तो बस उस लड़की का पीछा कर रहे हैं जो राघव को अपनी उंगलियों के इशारों से जंगल की ओर खींच ले जा रही है। सीरियल कयामत की रात में चुड़ैल संजना ने राघव को अपने माया जाल में फंसाना शुरू कर दिया है और राघव भी वही कर रहे हैं जो संजना चाहती है। उस पुरानी हवेली से जुड़े अपने अतीत को जानने के लिए राघव राम नाम गढ़ आए थे। यहाँ आते ही संजना नाम की इस मुसीबत से दोस्ती कर बैठे और देखिए इस दोस्ती का बुरा नतीजा। आज संजना राघव को अपने वश में करके जंगल की ओर लिए जा रही है। चलिए राघव के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस घने जंगल में किसका पीछा कर रहे हैं और क्यों। मैं एक्चुअली ये सस्पेंस हमने रखा है, ये वैद्य ही है कि संजना है, किसके पीछे भाग रहा है राघव। सो वही है कि अब ये लव ट्रायंगल बनता जा रहा है कि संजना के पीछे राघव और राघव के पीछे वैद्य ही। तो क्या स्टोरी बन के आएगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन राघव, संजना ने तो आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। वो That's what, वो हिप्नोटाइज कर देती है राघव को और वो ले जाती है अपने इशारा करते करते उसको जंगल की तरफ ले जाती है। लेकिन उसके बाद वो क्या करना चाहती है, वो राघव को इवेंचुअली तो मारना ही चाहती है बिकॉज शी इज़ कम बैक, यू नो शी हैज शी इज़ एन एलाय ऑफ या कालासुर की साथी है वो। तो वो अब वापस आई है कि जो राज और गौरी जो ख़त्म हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए, अब वो वापस उनका पुनर्जन्म हो गया है राघव और वैदेही के नाम से, तो उनको ख़त्म कर नष्ट करना चाहती है। वैसे राघव, इस जंगल में भी आपको कुछ याद आ रहा है, क्या आप जानते हैं कि आपके साथ ये क्या हो रहा है? मुझे और वैदेही दोनों को फ्लैशेज आते हैं अपने पिछले जन्म के और इसलिए हम ये जो रामनामगढ़ की हवेली पर पहुँचे हैं वहाँ पर भी बहुत ऐसा लग रहा है कि जाना पहचाना सा लग रहा है। लेकिन कितना टाइम लगता है, कितना अरसा लगता है इन्हें एक्चुअल में सब कुछ याद आने में, उसके बाद ही वो कुछ कर पाएंगे संजना। वेल, राघव अपने अतीत से अनजान है और अनजाने में राघव ने अपनी मौत के साथ ही दोस्ती कर ली है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे राघव संजना के इस माया जाल से निकलेंगे। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।